नमस्कार, वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। सर्दियों का मौसम है, बेसन का हलवा अच्छा होता है, गर्म होता है, तो आज हम बनाते हैं बेसन का हलवा। इसके लिए हमको चाहिए एक कटोरी बेसन, वही सेम कटोरी हमने ले लिया चीनी। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास में, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े काजू, थोड़ी किशमिश, और ये दो इलायची मैंने छील के लिए, और ये घी है। घी मैंने आपको मात्रा नहीं बताई क्योंकि घी हम देखेंगे कि कितना चाहिए, फिर भी बेसन में बराबर मात्रा में घी लग जाता है तो उसी हिसाब से मैं घी डालूंगी। ये पैन मैंने गरम करने रख दिया है, इसमें मैं अभी एक बड़ा चम्मच घी डालूंगी, और जैसे ही घी गरम हो जाएगा उसमें मैं बेसन डालूंगी, और फिर अगर जितना हमको चाहिए होगा उस हिसाब से मैं हमको घी और डालूंगी। ये करीबन जितना बेसन मैंने लिया जिस कटोरी में, वही कटोरी 3/4 कटोरी मैंने घी ले लिया है, और इसको मैं इसमें ये बेसन डाल दूंगी एक कटोरी, और इसको हम भून लेंगे। घी थोड़ा अच्छा ही लगता है, अच्छा ज्यादा ही लगता है इसमें, मतलब ये मैंने जैसे 3/4 कटोरी डाला था तो ये आई थिंक ये बहुत है, तो यानी कि मतलब जितना हमने बेसन लिया उससे 3/4 हमें घी डाल देना चाहिए, और घी में ही बनाना चाहिए हलवा। हलवे का टेस्ट जो है घी में ही अच्छा आता है। अब इसको मैं तब तक भून लूंगी जब तक ये बेसन का कच्चापन ना चला जाए और बेसन थोड़ा सा लाली पे ना आ जाए, थोड़ा हल्का रंग इसका जो है येलो से रेड पे, हल्का रेड गुलाबी सा आ जाए, और इसको हमेशा धीरे आंच पे करना है। तेज आंच पे जल जाएगा और कच्चा रहेगा और रंग ज्यादा हो जाएगा, और लेकिन खाने में कच्चा लगेगा, इसलिए धीरे आंच पे इसको मैं करीबन 5 से 6 मिनट धीरी, बिल्कुल धीमे आंच पे बेसन को अच्छे से भूनती हूँ, तभी हलवा टेस्टी भी बनता है। तो पहले मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए, ये 4 से 5 मिनट में ये इस तरीके से लाल रंग पे आ गया है, रंग का हो गया, बेसन भून गया है। तो इसमें हम वही 2 कटोरी पानी डाल देंगे, एक और ये दो कटोरी हमने इसमें पानी डाल देना है, और इसको थोड़ा गर्म होना है। अच्छा, किशमिश हम अभी डाल देंगे ताकि किशमिश जो है फूल जाएगी इसी में, और इसके साथ ही हमने डाल देनी यही वही कटोरी भर के चीनी, और ये छोटी इलायची के दाने। अब इसको हम पकाएंगे जब तक ये घी ना छोड़ जाए अच्छी तरीके से। इसमें भी लगेगा कम से कम 7 मिनट, आपको 7 से 8 मिनट धीरे गैस पे करेंगे तो, लेकिन इसको हम तेज पे कर सकते हैं, तो जल्दी करने के लिए हम फटाफट करते हैं क्योंकि बेसन ऑलरेडी भून चुका है, बस इसके जो है चीनी घुलनी है और अच्छे से इसकी हलवे जैसी कंसिस्टेंसी आनी है, जैसे कि हम लोग खाते हैं तो हमको पता है कि हम कैसा हलवा खाते हैं, तो जब हम देखें तो उस तरीके का लगना चाहिए ये हमको। ये इसको होने देते हैं हम थोड़ा, खौल आने देते हैं, बॉयल होने देते हैं इसको अच्छी तरीके से। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जाएगा, ये देखिए नीचे से गाढ़ा होने लग गया है। ये बनते समय इस तरह छींटे मारता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए इसको चलाते समय, अपने हाथ का ध्यान रखिए, या आप ग्लव्स पहन लीजिए इसको बनाते समय। इस तरीके से थोड़े छींटे ऊपर ऊपर आती हैं। करीबन 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में इस कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। अभी और भी हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। कंसिस्टेंसी और 2-3 मिनट बाद उसे इस तरीके से हुई है। अभी ये थोड़ा और होगा जबकि ये बिल्कुल तेल भी छोड़ जाएगा, और अभी इसको मुझे हिलाते रहना। देखिए अब आप कैसे हो गया ये, अभी और थोड़ा हमको इसको चलाना है। ये अब हलवा हमारे बन के तैयार हो गया है। करीबन 7 से 8 मिनट मैक्सिमम आप बोल सकते 9-10 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी अगर आप बनाएंगे तो 8 मिनट में हलवा बनकर आपका तैयार हो जाएगा, एक कटोरी हलवा, जो कि आप 4 दिनों के लिए एज ए स्वीट सर्व कर सकते हैं। और इसमें ये जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे वो भी हमने इसमें डाल दिए, और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हलवा बनकर तैयार है, अब मैं इसको
क्योंकि आप इसमें आपको दिख लग रहा है घी भी पता चल रहा है कि साइड साइड निकल रहा है घी, और ये अच्छी तरीके से भुन गया है हलवा। इसका टेस्ट जो है सब बहुत अच्छा आता है, जो साइड में आप देख सकते हैं इसका घी इतना गर्म है कि ये कैमरे में भी भागा दे, ये देख सकते हैं घी किस तरह से हो रहा है और हलवा भी अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसको बोलने चेक कर देती हूँ। ये देखिए ये बढ़िया सा हलवा बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़े से काजू और गार्निश के लिए डाल देती हूँ, तो ताकि ये और इंटरेस्टिंग लगेगा। और अब आप ही इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, अगर सबको पसंद आए, आपके घर वालों को पसंद आए, आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।